नमस्कार, मैं मनोज सोनी रूबरू चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं हर बार मेरी वीडियो में तकरीबन यही चीज़ें बताता आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कोरोना नाम की एक महामारी फैली हुई है और उस महामारी के बचाव के लिए लोगों ने बहुत से अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करें और इसका इलाज जो है सबसे बड़ा ये है कि अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई है। इसका इलाज अभी तक जो है वो ये है कि दूरी बनाए रखें, डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी सोशल डिस्टेंस को लेके मैं पहुंचा हूं बस स्टैंड के नज़दीक है एमसी कॉलोनी है। वहां पर गली के एक नुक्कड़ पर मैंने देखा बहुत से सज्जन लोग खड़े हैं जिन्होंने रस्सी के द्वारा इस गली को बंद किया हुआ है। आइए जानते हैं उनसे इस बंद का क्या कारण है, उन्होंने ये बंद क्यों किया हुआ है। एक एक करके मैं सभी से बात करूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम है जी सुखचैन सिंह। सुखचैन जी, एक कोरोना बीमारी जो बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन आपने जो गली के अंदर ये रस्सी लगाई हुई, इसका क्या कारण, क्या मोटिव है? इसका कारण ऐसा है जी, यहाँ अननोन बंदे जो हैं अदर कॉलोनी के, वो यहाँ से पासिंग करते हैं क्योंकि आगे नाका है पुलिस का, तो जो भी इधर से बंदा आता है वो पीछे गलियों से घूम के हुड्डा चौक तक निकल जाता है पीछे गलियों में से, क्योंकि हमें मोहल्ले की भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अननोन बंदा कोई कैसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई कैसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उससे हमारे मोहल्ले की सेफ्टी होगी। इस बंद के अंदर आम पब्लिक को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, आम पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है जी। हम जैसे फ्रूट सब्जी वाले जो भी जिनको पास इशू हैं उनको एंट्री करने दे रहे हैं, दो दी हैं जो मोहल्ले वाले हैं जिनको अर्जेंट काम है वो जा रहे हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो वापसी आ रहा है उसे हम सैनिटाइज करके ही एंट्री करने दे रहे हैं अंदर। दूसरा, इस काम के लिए आपको किसने प्रोत्साहित किया है और प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है आप? प्रशासन का भी पूरा सहयोग है जी हमारे साथ, बाकी हमारे साथ ये मौजूदा लोग हैं, कुछ एमसी हमारे धीरू जी हैं, सतनाम जी हैं, नवदीप सिंह हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, तो सबके मोहल्ले के सहयोग से ये चल रहा है जी। वार्ड के पार्षद कौन है, कौन है वार्ड के पार्षद? तो मनोज मकानी जी हैं। अच्छा, उनका सहयोग है? हाँ जी, हाँ जी, सहयोग सबके मिलजुल के है जी, सब भाइयों का सहयोग है जी। अब जैसे गली से कोई व्यक्ति गुजरता है तब आप क्या उसकी कोई आइडेंटिटी वगैरह चेक करते हो, कोई गली में आता है तो? हाँ, जो भी आता है पहले हम वेरीफाई करते हैं उसे भी, आपने किधर जाना है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर हमें अच्छा मतलब गलत बंदा लग रहा है तो उसे, डाउट वाला बंदा है तो उसे हम एंट्री नहीं करने दे रहे मोहल्ले। जो सिंह साहब थे उनसे मैंने बात की और बात करने के बाद मालूम हुआ कि सेफ्टी ही बचाव है। मैं आप सभी दर्शकों से इतनी एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा कि ये सारा काम प्रशासन के ऊपर ना छोड़े, कुछ आपकी भी ड्यूटी बनती है, कुछ आपका भी कर्तव्य बनता है, कुछ आपका भी फ़र्ज़ बनता है। इन लोगों ने अपना फ़र्ज़ निभाया है, ये लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं ताकि इस गली के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर कोई भी अननोन पर्सन ना आ सके। अगर कोई अननोन पर्सन आता है तो ये उसकी बाकायदा आइडेंटिटी चेक करते हैं, अगर वो व्यक्ति आइडेंटिटी में सही पाया जाता है, इस गली का बाशिंदा हो, तभी उसको एंट्री की जाती है। अब ये गली जो है अनमोल पैलेस के साथ लगती गली है और इस गली की आईडी इतनी है कि बिल्कुल पास में ही सनी ट्रांसपोर्ट के नाम से एक ट्रांसपोर्ट है, काफ़ी समय से चलता आ रहा है। और गली के नुक्कड़ पे इन्होंने भी बैरिकेड्स लगाए हैं, एक इंसान खड़े, आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि बैरिकेड्स लगाने का क्या कारण है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है उसके बचाव के उपलक्ष्य में आपने ये बैरिकेड लगाए? हाँ जी सर। तो बैरिकेड लगाने का मेन मकसद क्या है आपका? सर, एक तो गली से जो गली वाला बंदा नहीं है उसको हम एंटर नहीं होने दे रहे, जो गली का बंदा है उसको एंटर होने दे रहे सैनिटाइज करके, ठीक है सर। और जो सब्जी वाले है या कोई भी है उनकी हम परमिट देख रहे हैं, अगर परमिट नहीं है तो उनको हम एंटर नहीं होने दे रहे। सब्जी वाला या दूध वाला, उसको अगर परमिट है तभी आप उसको एंट्री होने देते हैं। इसके लिए क्या आपको प्रशासन भी सहयोग कर रहा है? हाँ जी सर। और वार्ड के आपके जो पार्षद हैं उनका नाम? मनोज मकानी जी। मनोज मकानी जी आपको इस काम में सहयोग कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। दूसरा, देखने में आया कि जैसे कि अब हालात चल रहे हैं, लोग जगह जगह पर लंगर की व्यवस्था की हुई है, लंगर बांट रहे हैं, आपकी तरफ से ऐसी क्या व्यवस्था है जो पब्लिक को उससे सुविधा मिले? सर, हमारी तरफ से जो भी जा रहे हैं जी सैनिटाइजर वगैरह कर रहे हैं, जो भी जा रहे हैं हम उसको सैनिटाइज करके दे रहे हैं। और खाने की व्यवस्था सर, हमारे इधर इस एरिया में जो भी है गरीब बंदा उसको हमारे एमसी की तरफ से खाना प्रोवाइड हो रहा है और जितना भी सहयोग हो रहा है सर हम करवा रहे हैं। दूसरा, अब सरकार की तरफ से आदेश आ चुके हैं कि हफ्ते में 3 दिन खाने छूटेंगे, उसको लेके आप क्या कहते हैं, ये क्या है, ये सही है प्रशासन का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे हफ्ते में लगभग 7 दिन चल रही थी दुकानें तो भीड़ काफ़ी हो रही थी, अब धीरे धीरे कंट्रोल होगा, लोग अपने घरों में रहेंगे और बाहर कम निकलेंगे। दर्शकों को, रूबरू के जितने भी दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, हम यही कहेंगे कि जितने भी पब्लिक है
वो अपने घरों में रहें और कंट्रोल करें कि बाहर मत निकलें, अगर कोई ज़रूरी काम है तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। शुक्रिया। ये थे अनमोल पैलेस के साथ लगती गली के एक सज्जन पुरुष जिनसे मैंने बात करवाई। 3-4 गलियां थी जिनको मैंने आपको रूबरू करवाया। कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य जो यही है कि अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। जैसे इन लोगों ने बैरिकेड्स लगा के गली को बंद किया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहने का एक सरल और बढ़िया उपाय है जो मोदी जी बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे ही बनेगी जब हम लोग अपने आप को सुधारेंगे। सो देखते रहिए ऐसी खबरें। कैमरा पर्सन मिस्टर कालू के साथ मनोज सोनी, धन्यवाद।